फ्रेंड्स वेलकम टू फूड विद निमरा चैनल तो कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब बहुत ही मजे में होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मजेदार फ्रेंच फ्लोटिंग डिजर्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आम अल्फाज में हम लोग इसको फ्लोटिंग कस्टर्ड भी बोल सकते हैं और फ्लोटिंग डिलाइट भी कह सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सही रेसिपी बनने वाली है ये डिजर्ट आपको बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट्स में बहुत ही महंगा मिलता है आज मैं आप सबके साथ बहुत ही कम अज्जा से नहीं बनाना घर में बताऊंगी और आप जब इसको एक दफा ट्राई करेंगे

रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो बिसमर पढ़ के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कस्टर्ड रेडी करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी ना खुला पैन देना है और उसमें कस्टर्ड रेडी करना है सबसे पहले मैंने ना पैन के अंदर दो कप दूध ऐड किया है अभी आप लोगों ने इसकी फ़्लेम ऑन नहीं करनी है तमाम चीज़ों को डालने के बाद आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है फिर हम इसकी फ़्लेम ऑन करेंगे फिर इसमें थ्री टू फोर टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे और शुगर की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर ऐड करी है आप लोग इसकी जगह नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं वन टेबल स्पून कोई भी आप लोग कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं मैंने यहाँ पे वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है आप लोग जो भी फ्लेवर का लेना चाहें ऐड कर सकते हैं कस्टर्ड ऐड करने के बाद आप लोगों ने एक अदद अंडे की ना जर्दी ऐड कर देनी है सफ़ेदी वाला हिस्सा नहीं ऐड करेंगे आप लोगों ने सिर्फ जर्दी ऐड करनी है जर्दी ऐड करके आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स से और आप लोगों ने अभी फ़्लेम ऑन नहीं करनी जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम लोग इसकी फ़्लेम ऑन कर देते हैं और इसको हम लोगों ने पाँच मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पर कुक करना है और इसमें हम लोग तकरीबन ना चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसमें जर्दी भी ऐड करी हुई है और कस्टर्ड पाउडर भी ताकि नीचे ना लग जाए इसमें हल्के हाथ से ना आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है क्योंकि ना इसके ऊपर बिल्कुल भी ना वो पापड़ी या ना दूध की जो मलाई होती है ना वो बिल्कुल भी जमनी नहीं चाहिए पाँच मिनट में जैसे ही हमारा कस्टर्ड रेडी हो रहा है तो हम लोग इसकी ना मार्श मेलू इसको रेडी कर लेते हैं मैं तो इसको मार्श मेलो ही कहूँगी क्योंकि जब हम इसको खाते हैं तो ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाती हैं मैंने सबसे पहले एक बॉल के अंदर जो ना अंडे की सफ़ेदी थी ना वो ऐड कर दी है एक अंडा ले लिया था जर्दी मैंने कस्टर्ड में ऐड कर दी है सफ़ेदी मैंने बॉल में ऐड कर दी है एग बैट को हम लोगों ने बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है ताकि अच्छे से ना इसके अंदर फॉर्म बन जाए आप लोग ना हैंड विक्स से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जैसे ही ना हल्का हल्का सा इसमें फॉर्म बनता है तो हम लोगों ने इसके अंदर वन टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर देनी है आप लोग रेगुलर शुगर भी ऐड कर सकते हैं ये डालने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से दोबारा से बीट करना है और इसको इतना बीट करेंगे कि इसके अंदर क्रीम की तरह ना पीक्स बन जाएँ तो हम लोग इसको अच्छे से इतना बीट कर रहे हैं और जब ये बीट हो जाता है तो आप लोग इसको ऐसे चेक कर सकते हैं जब आप बॉल उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल भी ना गिरना नहीं चाहिए और इसमें पीक्स भी बनने चाहिए तो यहाँ पे हमारी जो ना एग वाइट है वो अच्छे से बीट हो चुकी है और यहाँ पे कस्टर्ड को पकते हुए पाँच मिनट भी हो चुके हैं मैंने यहाँ पे ना हल्का हल्का चम्मच चलाती रही हूँ फिर इसके बाद आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बस इसको ना हल्का सा ये थिक हुआ है बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं करेंगे फिर इसके बाद जो आप लोगों ने एक वाइट को ना अच्छे से बीट किया था तो वो इसके अंदर ना आप लोगों ने स्पून की मदद से ऐड कर देना है और आप लोगों ने ना शेप की टेंशन नहीं लेनी आप लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं जो ये डिज़र्ट होता है ना इसमें जो हमारी एग वाइट्स है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की ही होती हैं आप लोग चाहें तो उनका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा लेकर मिक्सचर को ऐड कर दीजिए तमाम एग वाइट को ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको ना तकरीबन दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है इसकी साइड आप लोगों ने चेंज नहीं करनी है दो मिनट में ना ये सेट हो जाएगा नीचे से फिर आप लोग इजीली इसकी साइड चेंज कर सकते हैं और ऊपर से भी आप लोगों ने फिर ना इसको दो मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है जब आपने इसकी साइड चेंज करनी है तकरीबन आप लोगों ने एग वाइट ऐड करने के बाद तीन से चार मिनट ही कुक करना है ये एग वाइड्स बिल्कुल ना माश की तरह हो जाएंगी मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाएंगी इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि ना ये तो एग नहीं है इसमें से स्मेल आएगी ये होगा नहीं हम लोगों ने अच्छे से ना कस्टर्ड को कु किया हुआ है और एग वाइट में वैसे भी स्मेल नहीं होती ये बहुत ही मज़ेदार सा ना हमारा रेडी होने वाला है यहाँ पे तीन से चार मिनट हो चुके हैं तो अब हम लोग इसको डिश आउट कर लेते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने एग वाइट्स को यानी कि मैं तो उसको मार्श मेले ही कह रही हूं माश मेले को ऐड करना है फिर इसके बाद आप लोगों ने जो इसका कस्टर्ड रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा ना फ्रेंच फ्लोटिंग कस्टर्ड रेडी हो चुका है ऊपर से आप लोग इसको बादाम पिस्ते से भी डेकोरेट कर सकते हैं मैंने ना पिस्ते से किया है और थोड़े से ना कलर के लिए स्प्रिंकल ऐड कर दिए हैं आप लोग स्किप भी कर सकते हैं और इसको आप लोगों ने एक से दो घंटे फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए ठंडा करके आप लोगों ने बहुत ही मजे से इसको एंजॉय करना है मैंने इसकी जैसी ये में जाके मेल्ट हो गया इसको आप लोगों ने एक दफा तो ट्राई करना ही करना है जब आप एक दफा इसको ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करेंगे ट्रस्ट ट्रस्मी यार इतना मजेदार बनता है ये और ये डिजर्ट ना पॉकेट फ्रेंडली भी है वो इस तरीके से तमाम सामान आपके घर में होगा और इससे आसान और ना सस्ता मीठा कोई हो ही नहीं सकता ऐसे ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सीखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं दुआओं याद रखिएगा ला हाफि